पीलीभीत टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद भी जनपद में बाघों के मरने का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर दियोनी डैम में बांध का शव तैरता मिलने से टाइगर रिजर्व में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बाघ का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अधिकारी प्रथम दृष्टया जांच में कहीं से नदी में बहकर बाघ का शव आने का अनुमान लगा रहे हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद भी बाघों को पूरी तरह से संरक्षण नहीं मिल सका है। लगातार बाघों के शव मिलने से बाघों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। आज फिर दियोनी डैम में सड़ा गला एक बाघ का शव तैरता मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर आनंद फानन में टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से नदी से बाघ का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं टाइगर रिजर्व के अधिकारी अपनी लचर कार्यप्रणाली पर पर्दा डालते हुए कैलाश नदी व देवहा में कहीं से बहकर बाघ के शव आने की बात कह रहे हैं। इसका पता नहीं कैसे मौत हुआ है, लेकिन ये बैरेज मिला हुआ है। पहले दृष्टि से ये टाइगर है, लेपर्ड है, वो भी हम कर नहीं पाए हैं क्योंकि पूरा उसका खाल निकल गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम पड़ा होगा। यहाँ से पता 50 मीटर में उत्तरांचल है, तो हमको अनुमान है ये देवा और कैलाश नदी से बह के आया होंगी, इसलिए वहाँ बैरेज रुक गया है। जैसे सूचना मिला उसको तुरंत निकलवा दिया, हमारा स्टाफ पहुंच गया, निकलवा दिया और पोस्टमार्टम के बाद ही सब मालूम होगा।